नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। क्या बना? तंदूरी चाय, तंदूरी चाय। नरोत्तम मित्रा स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। नरोत्तम मित्रा स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। कांग्रेस वास्तु सेल, उसके जिला के प्रेसिडेंट और नगर निगम के बोरो एक के कन्वेनर कल्याण दास गुप्ता, रानीगंज पंचायत समिति के पीडब्ल्यूडी के कर्माध्यक्ष अभय उपाध्याय, संजय सिंह धीरज, इनके नेतृत्व में आज करीब 500 तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता लखनदा के हाथों भारतीय जनता पार्टी में आज ज्वाइन हो रहे हैं। मंत्री जी के समक्ष लखनदा उनको झंडा देकर उनका पार्टी में स्वागत। लखनदा ये सब चुनाव को ध्यान में रख के है, जो चीज स्पष्ट गोचर हो रही है उसमें क्या जांच? प्रदेश की जनता की नजरें देख रही है और परिणाम की तारीख मुकर्रर हो गई है, तारीख लग गई है। इसलिए हम तो जो करना है जनता को करना है, हम तो सब कुछ पश्चिम बंगाल की जनता पे छोड़ते हैं। वो सोनार बंगला चाहती है या बदहाल बंगाल चाहती है, वो खुशहाल बंगाल चाहती है या कंगाल बंगाल चाहती है, जो बंगाल को कंगाल बीबी ने किया, जो बंगाल को कंगाल कम्युनिस्टों ने किया है, कैसा बंगला चाहती है ये जनता को तय करना है। अब और कोई तय नहीं करेगा। लोकतंत्र के अंदर चुनाव एक कसौटी होता है और इस पर जनता तौलती है और इसलिए अब तारीखों का दौर है। लाभ जातो ने क्या बनना बैठ हुए आपको मध्य प्रदेश में भी लागू? हाँ, हमने लग मध्य प्रदेश में इसी महीने के अंदर लव जिहाद का कानून मध्य प्रदेश की विधानसभा से पारित किया है और मैं चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बने तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मध्य पश्चिम बंगाल के अंदर मध्य प्रदेश की तरह लव जिहाद का कानून लागू करना चाहिए, जिससे मेरी बेटी मेरी बहन सुरक्षित रहे, मेरी बहन मेरी बेटी को कोई प्यार के नाम पर ठगे नहीं। हम लव के खिलाफ नहीं है, जिहाद के खिलाफ है। जो लव जिहाद की तरफ ले जाएगा हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो यंग है, आप लोगों का जो यूथ है बीजेपी का, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? सामने जो घोषणा होने वाली है, ये युवा बिल्कुल लड़ाई लेकर आ गया है पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार के खिलाफ। और कहावत है कि संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। जवानी भाजपा के साथ है, तरुणाई भाजपा के साथ है, अंगड़ाई भाजपा के साथ है और परिवर्तन भाजपा के साथ है। चोट की दावी मान रहे हैं आप? ममता बनर्जी को चोट लगा है, सहानुभूति की राजनीति, उनको लाभ मिलेगा इसका कुछ? देखो, मैंने कहा ना कि पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है, ये पब्लिक है सब जानती है। मैंने कहा ये सब पब्लिक समझ रही है, अकेले आप भी और मैं नहीं समझ रहे, ये जनता भी समझ रही है कि ये सब चुनावी प्रोपेगेंडा है।
कोई नेता को, ऐसे सिलसिले का चलते रहेगा। देखिए, किसी नोटिस से किसी को भागने की जरूरत नहीं है। अगर आपका दामन पाक साफ है तो सीबीआई पे नहीं जा रहे, डर रहे हो तो मत जाओ, मीडिया के सामने आके बता दो कि हमारा दामन पाक साफ है, हम पर गलत आरोप लग गया। मीडिया से क्यों भग रहे हो, सीबीआई से क्यों भग रहे हो, भगना क्यों चाहिए? अगर आप पाक और साफ हो तो मीडिया सबसे बड़ा फ्रंट है, चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का। आप आओ मीडिया के सामने बताओ कि ये गलत है, अपने सबूत रखो। इलेक्शन के पहले देखा जा रहा है कि सेंट्रल एजेंसी, स्टेट एजेंसी दोनों ही तत्पर हो गया है, जैसे कि सीबीआई काम कर रही है, सीआईडी भी आज नोटिस थमाया है बीजेपी नेता को, क्या बोलेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार है और वो सरकार किस तरह से चुनाव कराती आई है, पंचायत चुनाव में पूरे पश्चिम बंगाल ने देखा है किस तरह से हिंसा की, किस तरह से बैलेट पेपर फाड़े गए, किस तरह से अन्याय अत्याचार करके पंचायत चुनाव हुए। अगर आप सारा का सारा आ जाएगा आपके सामने, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी उस तरह का चुनाव नहीं चाहती। हम चाहते हैं कि जनता निष्पक्ष तरीके से, स्पष्ट तरीके से अपना मतदान करे और एक अच्छी सरकार चुन के लाए। जांच को लेकर हमने सीआईडी की नोटिस थमाया गया है, वो चुनाव कैसे चाहती है, वो सीआईडी से जोड़ा है मैंने, वो हमेशा से चुनाव करती आई है, पूरे पश्चिम बंगाल में देखा पंचायत चुनाव कैसा हुआ है। किसान मोर्चा लगातार बंगाल में आकर सभाएं कर रहे हैं और बीजेपी को वोट ना करें ऐसा वचन कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा देश जानता है कि ये वो लोग हैं जो संभावनाओं पे आंदोलन कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कल्पनाओं पे आंदोलन कर रहे हैं। मित्र, एक बात बताओ, कुछ ही लोग क्यों रह गए इस आंदोलन में? एक भ्रम की राजनीति करने का इस देश के अंदर नया सगल प्रारंभ हुआ है। सीएए लेके आए तो दिल्ली की सड़कें जाम कर दी सीएए के लिए, बोले हमको 3 पीढ़ियों के कागज दिखाने पड़ेंगे। भ्रम फैला दिया अल्पसंख्यक बंधुओं में, नहीं दिखाए तो पाकिस्तान भेज देंगे, ऐसा ही था कि नहीं था? नहीं दिखाए तो असम में बैरिक बन रहे उन बैरिकों में अल्पसंख्यक भाइयों को भेज देंगे। चुटकुले डाल दिए व्हाट्सएप के अंदर इन लोगों ने, ऐसे ऐसे चुटकुले जिनको देख के लोग भड़क जाए, बोले हम 3 पीढ़ी के कागज कहाँ से लाएंगे, हमारे 3 पीढ़ी के कागज तो बकरी खा गई और बकरी को अबू खा गए, अब कागज कहाँ से लाएंगे। ऐसे ऐसे स्लोगन उन्होंने डाल के लोगों को भड़काने की कोशिश की, लेकिन 1 साल लागू हुए हो गया सीएए को, क्या एक को भी 3 पीढ़ी के कागज दिखाने पड़े? क्या एक को भी पाकिस्तान भेजा गया? क्या एक को भी बैरिक में भेजा गया? इसका जवाब नहीं है वो भड़काने वालों के पास, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के पास आज तक इसका जवाब नहीं है। और वही गैंग इसके पीछे है जिसने कहा कि एमएसपी बंद हो जाएगी, जिसने कहा कि मंडियां बंद हो जाएंगी। अरे हम कह रहे हैं कि संभावनाओं पे आंदोलन है, इसमें कहां लिखा है? इसमें कहां लिखा था सीएए में कि पाकिस्तान भेज देंगे? बोले नहीं, हमको डाउट है। इसमें कहां लिखा था कि 3 पीढ़ी के कागज दिखाने पड़ेंगे? बोले हमको डाउट है। ऐसे किसान आंदोलन में कह रहे हैं कि एमएसपी बंद हो जाएगी, हमने कहा लिखा है? बोले हमको डाउट है। हमने पूछा कि कहां लिखा है मंडी बंद हो जाएंगी? बोले हमको डाउट है। अब संभावनाओं पे अगर आंदोलन होंगे तो इसका तो कोई वो ही नहीं है, बिना खम्भे के आस पास क्या सोल्यूशन है? हमने महंगाई और बेरोजगारी पे लगाम लगाने की भरकस कोशिश की है। ये एक एक बिंदु को छोड़ के 99 पे भी तो बात की जा सकती है ना, आगे वो बिंदु पे भी तो बात करो कि आजादी के पहली बार में चीन डर के भागा है, आजादी के बाद पहली बार पाकिस्तान से आंख की आंख मिला के बात करने वाला कोई है, आजादी के बाद पहली बार पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, आजादी के पहली बार कश्मीर में पत्थर फेंकना बंद हो गया, आजादी के बाद पहली बार कश्मीर के अंदर 370 हटा दी गई, 35 हटा दी गई, सीएए आ गया, एनआरसी आ, ये सीएए आ गया और किसान कृषि कानून आ गया और अयोध्या के अंदर राम मंदिर का बनना प्रारंभ हो गया। बोलो सब लोग जय। उनकी पीड़ा से मन आहत है। दूसरा पक्ष
अचंभित भी हूँ, परेशान भी हूँ। चार चार हमलावर आते हैं और किसी को दिखाई नहीं पड़ते, सीसीटीवी भी अभी नहीं आते, जेड सुरक्षा वाले भी नहीं देख पाते, मोबाइल के कैमरे में भी नहीं आते। हमला भी करते हैं तो पैरों पर। बंगाल का जादू सुन रखा था, देखा पहली बार कैसे गायब हो गए आए, और दूसरा एक बात प्रमाणित हो गई कि हमले तृणमूल की सरकार के कारण से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर हो रहे। जिस दिन से आचार संहिता लगी है एकदम कमी आ गई, एकदम गिरावट आ गई, तो ये सिद्ध हो गया कि दीदी के लोग, तृणमूल की सरकार मुख्यमंत्री के संरक्षण में भाई भतीजावाद में इस तरह के हमले भारतीय जनता पार्टी पर हो गए थे। 134 कार्यकर्ता हमने खो दिए, उनको श्रद्धांजलि करने की तारीखें मुकर्रर हो गई हैं। 2 मई दीदी गई, पूछे